नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हमीरा मलिक। नैनीताल जनपद में काफी समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम के लिए पुलिस विभाग का अभियान चल रहा है। इसी क्रम में बंदूलपुरा के थाना अध्यक्ष नीरज भाकुनी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा बीती रात गश्त के दौरान पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि एक स्मैक तस्कर स्मैक की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर स्मैकियों को बेचने निकला है। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल घेराबंदी करते हुए मालिक के बगीचे में टूटे मकान के लेंटर के पास भनबुलपुरा से स्मैक तस्कर मोहम्मद दानिश को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद दानिश वार्ड नंबर 31 का निवासी है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। उसके पास से कुल 10 ग्राम स्मैक बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की कड़ी पूछताछ में ये सामने आया कि अभियुक्त मोहम्मद दानिश स्मैक को गफूर बस्ती में रहने वाले ताहिर से कम दामों में खरीद कर लाता था और 500 प्रति पुड़ियों के हिसाब से नशेड़ियों को बेचता था और बीती रात भी वो स्मैक की पुड़िया बनाकर बेचने को निकला था। स्मैक की खरीद फरोख्त के संबंध में स्मैक पैडलर ताहिर के खिलाफ भी पुलिस की अभियुक्त कार्यवाही जारी है। अभियुक्त मोहम्मद दानिश के खिलाफ बनबुलपुरा थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया जाएगा। तो फिलहाल की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।